मोबाइल फोन के एडिक्शन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मोबाइल फोन के एडिक्शन से कौन सी बीमारी होती है और उससे कौन से रिस्क पैदा होते हैं, कौन से हमको नुकसान होते हैं। एक्चुअली ये वीडियो की रिक्वेस्ट ज़्यादा थी कि इससे छुटकारा कैसे पाते हैं ये जानना है लोगों को, लेकिन ये समझाने से पहले वो समझाना ज़रूरी था कि लोग छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं। कुछ तो रीज़न होगा ना, लोगों को तकलीफ होती होगी तब जाके लोग उससे दूर होना चाहते हैं। तो क्यों दूर होना चाहते हैं? क्योंकि ये एक बीमारी है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत ज़रूरी है वो समझना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमको ये बीमारी है। आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उसे ज़्यादा यूज़ ना करने से। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूँ जस्मीन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत स्वागत है। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन शारीरिक बीमारी ना होते हुए एक मानसिक बीमारी है और आप अपनी इच्छा शक्ति से ही इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझ लेना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन हमारी बेहतरी के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल हमें दुनिया से जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि उसमें डूब के खुद को भुलाने के लिए। वर्चुअल वर्ल्ड की अपनी अहमियत है और रियल वर्ल्ड की अपनी अहमियत है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। या आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप पूरे दिन मोबाइल फ़ोन में जो भी काम करते हो उनमें से कौन से काम करने वाले काम हैं, कौन से काम प्रोडक्टिव है, करने चाहिए ऐसे काम है, ज़रूरी है ऐसे काम है, और कौन से काम फालतू है, कौन से ऐसे काम है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ना करने वाले काम है। अगर आप ये सब चीज़ें समझ लेते हैं तब जाकर आप ये सब टेक्निक जो आपको मैं बताने वाला हूँ, तरकीबें बताने वाला हूँ, वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अदरवाइज़ ये सारी बातें आपके लिए बातें ही रह जाएगी। सेलफोन के एडिक्शन से दूर होने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप तय कीजिए कि आप सिर्फ ज़रूरत के लिए ही मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे। ये जितना आसान लगता है आपको सुनने में और जितना आसानी से मैंने बोल दिया है, उतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ टास्क है। और ये एकदम से होगा भी नहीं, इसकी आदत आपको धीरे धीरे डालनी पड़ेगी। एकदम से आप डिसाइड कर लोगे कि आज से मैं सिर्फ ज़रूरत के लिए ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगा, आप कर नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल काम है ये। शुरुआत के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस जेब में आप जनरली फ़ोन रखते हो उस जेब में ना रखें, किसी और जेब में रखें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप उस जेब में हाथ डालते हो, हाथ मोबाइल पर जाता है, अब एक बार जब ध्यान गया ही है मोबाइल के ऊपर तो मन करता है कि कुछ देख ले, किसी का मैसेज तो नहीं आया है, किसी का मिस कॉल तो नहीं आया है। अगर आप लेडी है तो आप पर्स में ऐसी जगह पर फ़ोन रखिए जहाँ पर आपका हाथ बार बार ना जाता हो। इन शॉर्ट, आपका ध्यान बार बार मोबाइल के ऊपर ना जाए, ऐसी जगहों पर आप मोबाइल को रखा कीजिए। और एक तरीका ये है कि आप लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों से मिलिए। मैं बातचीत करने का मतलब चैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आपके घर वालों से, आपके रिलेटिव से, आपके दोस्तों से, आपके कॉलिग से, आपके बॉयफ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से, सबसे अब बातचीत कीजिए रियल वर्ल्ड में, है ना। खास करके बुज़ुर्गों से बातचीत कीजिए, उनके पास बहुत वक्त होता है बातचीत करने के लिए, सुनाने के लिए भी उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये सब किया कीजिए। जब भी आप बोर हो रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल को पास में ही मत आने दें, उसको हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। ऐसे टाइम पर आप लोगों से मिलिए, घर से बाहर निकलिए यार, किसी ना किसी तरीके से रियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। सुबह शाम आप टहलने भी जा सकते हैं, और ख़ास करके जब घूमने जाए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, मोबाइल फ़ोन को बीच में मत आने दीजिए, उसको हो सके तो घर पे ही छोड़ के जाइए यार। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं ना बहुत ही मल्टीटास्किंग हूँ, मतलब मैं खाते खाते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, बात करते करते, गाड़ी चलाते चलाते, टॉयलेट में भी मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि भाई आप मल्टीटास्किंग नहीं हो, आप बीमार हो, और ये बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसको सुधारने की ज़रूरत है और आपको सुधरने की ज़रूरत है। आप ज़रा सोचो यार कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो बंदा या बंदी आपसे बात करते करते मोबाइल में कुछ कर रहा है या कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी इंसल्ट होगी, आपको आगे बात करने का मन नहीं करेगा। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ही बड़े हैं, हमारे रिलेशंस के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है ये सब चीज़ों का। ऐसे ही करके लोगों के बीच में फिर डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन बढ़ जाने का एक और बड़ा रीज़न ये है कि आज हम सब के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और रोज़ की रोज़ नई आती जा रही है।
अब घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि एप्लीकेशंस तो हमारे अच्छे के लिए है, हमारे कंफर्ट के लिए है। हाँ भाई, अच्छे के लिए ही है। प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रॉब्लम वहाँ पर होता है। तो क्या है कि जब आप एक मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो, अब आपने जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी है सबको एक एक बार भी चेक करोगे ना, एक एक बार की बात कर रहा हूँ, तब भी आपके 10-15 मिनट तो ऐसे चले जाएंगे। और उसमें भी अगर आप किसी एक एप्लीकेशन पर या फिर एक प्लेटफॉर्म पर टिक गए, फिर तो आप बस स्क्रॉल करते जाइए, 15 मिनट की जगह 15 घंटे कहाँ चले जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। खास करके स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ये होता रहता है कि पढ़ते पढ़ते होता है कि यार मूड खराब हो रहा है थोड़ा सा, एक बार मोबाइल ले लेता हूँ, बस एक बार मोबाइल उठाते हैं, बस ये स्क्रॉल करना चालू किया, फिर मटेरियल आता जाएगा, वो देखते जाएंगे, 2 मिनट की जगह 2 घंटे चले जाते हैं, 3 घंटे चले जाते हैं। और एंटरटेनमेंट तो छोड़ो, वो तो पता नहीं 3 घंटे में क्या मिलता है, लेकिन थक जरूर जाते हैं 3 घंटे में। उसके बाद सोचते हैं कि नहीं यार, आप 1 घंटा सोना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में ना मज़ा नहीं आएगा अगर मैं सोऊंगा नहीं, मेरा दिमाग फ्रेश नहीं है। फिर सो जाते हैं, फिर फ्रेश होकर उठने के बाद भी मन करता है कि यार किसी का मैसेज आया होगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। फिर से मोबाइल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ना मोबाइल फ़ोन का नोटिफिकेशन साउंड ऑफ कर दीजिए, और जो एप्लीकेशन आपको लगती है कि ये डिस्टर्ब करने वाली है, हर सेकंड पर नोटिफिकेशन देती है और वो आपको एक्साइट करती है मोबाइल फ़ोन को लेने के लिए, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो काम है, पढ़ाई है, जो आप जॉब करते हो, वहाँ पर फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। वो एप्लीकेशन में किसने फ़ोटो रखा उसको बाद में आप लाइक कर देंगे, बाद में देख लेंगे तो चलेगा, वो इतना मैटर नहीं करता है। आजकल 70% से ज़्यादा लोग सोने से जस्ट पहले मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब सब निपटा के जब बेड पे लेट जाते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन हाथ में आ जाता है और तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनका दिमाग, उनका शरीर चिल्ला चिल्ला कर बोलने ना लगे कि भाई मुझे अब छोड़ दे, मुझ में ताकत नहीं है, तब तक नहीं छोड़ते हैं। सुबह उठने के बाद भी तुरंत ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, सब चेक करना शुरू, जब उनका दिमाग ठीक से होश में भी नहीं होता है। ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर, हमारे दिमाग पर। फिर लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी आंखें ख़राब हो गई है, मेरी जो स्किन है वो डल हो गई है, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है, फिर भी पेन हो रहा है यार, तो टेंशन नहीं है, स्ट्रेस है वो गांडू, और बैक में पेन हो रहा है वगैरह वगैरह। आप डिसाइड कीजिए कि आप सोने से 30 मिनट पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ये एडिक्शन तो दूर होगा ही, लेकिन आपको अच्छी नींद आएगी और टाइम से आप सो जाएंगे। क्योंकि मोबाइल जब हाथ में रहता है तो कुछ फिक्स होता ही नहीं है टाइम, जब तक आप में सांस रहती है, आखिरी सांस तक लड़ने वाली बात होती है, तो जब तक आप में होश रहता है तब तक आप मोबाइल फ़ोन देखते ही जाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। और एक भाई साहब से मैं मिला था, उन्होंने उस दिन सोशल मीडिया फास्ट रखा था, शायद आपको हंसी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आई थी। सोशल मीडिया फास्ट क्या होता है? उन्होंने समझाया कि लोग फास्ट क्यों रखते हैं, श्रद्धा के लिए या तो फिर अपनी हेल्थ के लिए। तो ये भी हेल्थ के लिए ही है ना, आज मैं पूरा दिन सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करूँगा, खोलूँगा ही नहीं, ये फास्ट है यार, बढ़िया तरीका है ये। आप अगर इसका आप श्रद्धा के साथ जोड़ते तो श्रद्धा मतलब भगवान की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका एडिक्शन भी दूर हो जाएगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा सही राह पर चल रहा है। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि आप पढ़ने का अगर आपको शौक़ है तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, हार्ड कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ, फिर से मोबाइल वाली किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी जॉनर आपको पसंद है, लव स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, बायोग्राफीज, सस्पेंस, थ्रिलर, जो भी आपको पसंद है, पढ़ना शुरू तो कीजिए। और मोबाइल फ़ोन के ना प्यार में मत पड़ जाइए, इतनी ज़्यादा केयर मत कीजिए उसकी। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी केयर कीजिए तो अच्छा रहेगा, रिलेशन भी अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग भी अच्छा रहेगा। तो मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है वो बात नहीं हो रही है, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, ये सब गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है, इसलिए खोजा गया है ताकि हम इसे यूज़ कर सके, सब कुछ अच्छे के लिए ही है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे, लिमिट में रहे। जब कोई भी चीज़ लिमिट में रहती है तो अच्छी है, किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस होती है तो चाहे वो कुछ भी हो नुकसान करती ही है। ओके देन, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मेरी हर अपडेट से वाकिफ रहना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जीचिल्स के वीडियोज़ को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि पानी की
प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? इसका सही जवाब है 7। टॉप 3 जिन्होंने आंसर किया उनके नाम है आकाश पाटिल, कार्तिक कुमार मौर्य एंड उमर शेख। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। तो सवाल ये है कि फोन की खोज किसने की थी? फिर से एक बार सुन लीजिए, फोन की खोज किसने की थी, फोन का आविष्कार किसने किया था? सर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को ऐड कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।